हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग समझेंगे विद्युत धारा तथा संवहन के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पे एक कंडक्टर लिया गया है, ठीक है, जिसका लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र A है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी बात को लिख दिया गया है कि इस चालक की लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। अब इसमें एक चीज़ और मानना होगा हम लोग को, ये दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए, कि इस चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया गया है कि एक यूनिट आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉन है, उसको स्मॉल n मान लिया गया है, ठीक है। तो अब देखो, इस चालक का अगर आयतन लिखे तो आयतन का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुना लंबाई, ठीक है। जैसे ए सिलिंड्रिकल है तो सिलेंडर का फॉर्मूला, या बेलनाकार है तो बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया और एच मतलब इसका लंबाई है। तो इस चालक का आयतन हम लिख सकते हैं ए इंटू एल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुना एल, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालने का कोशिश करेंगे कि इस चालक में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है। तो चालक में मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर लिखोगे तो यहाँ पे ऐसे समझना होगा कि एक यूनिट आयतन में, एक यूनिट आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल आयतन इतना है, तो a इंटू एल इंटू यूनिट आयतन में, मतलब इतना आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसे गुना हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं n इंटू a इंटू एल। तो इस चालक के अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, तो n इंटू a इंटू एल। अब इस पर टोटल आवेश हम निकालेंगे, क्योंकि हमको करंट निकालना है, तो करंट बराबर होता है I बराबर होता है Q बाई टी। तो सबसे पहले जितना भी इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन मिलके कितना आवेश बना रहा है, तो हम इसमें निकालेंगे कि चालक में कुल आवेश, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके कारण कुल कितना आवेश है। तो कुल आवेश अगर निकालोगे तो आप सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, अगर दो इलेक्ट्रॉन होता है तो 2E चार्ज होता है, अगर तीन इलेक्ट्रॉन होता है तो 3E चार्ज होता है। इसी तरह से इतना सारा इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर प्रेजेंट है और वो ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है, संवहन वेग में। तो इसमें अगर कोशिश करोगे चालक में कुल आवेश, तो इसमें E से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी एन ए एल इंटू ई। ई से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम, तो ये कुल आवेश निकल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना होगा यहाँ से करंट, ठीक है। तो आप करंट का डिफिनेशन के अनुसार आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि I बराबर होता है क्यू बाई टी। तो यहाँ से लिख सकते हो I बराबर क्यू बाई टी। तो Q के जगह कुल आवेश कितना है, इसके जगह आप रिप्लेस कर सकते हो एन ए एल इंटू ई डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ से I बराबर लिख लेंगे एन ई ए को साथ में रख लेते हैं और L बाई टी को अलग रख लेते हैं। देखो, अब यहाँ के बाद आप सोच सकते हो कि L बाई टी क्या होगा। L बाई टी मतलब इसका लंबाई डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। और अगर बेटर होगा कि यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम आप लिखो, टी के जगह पे आप जो विश्रांति काल होता है उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो एल वाई टी मतलब दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय को बोलते हैं चाल। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का चाल होता है उसी को हम बोलते हैं संवहन वेग, ठीक है। तो इसके जगह हमें वी डी पुट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा आई बराबर एन ई ए वी डी। तो ए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। फिर से यहाँ पे एन क्या है, तो एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एक यूनिट आयतन में, एकांक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है वो एन रिप्रेजेंट कर रहा है। ई रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसका मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए वाला एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वी डी मतलब संवहन वेग। तो ये हो गया फॉर्मूला का प्रूफ कि आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ए रिलेशन हम लोग को याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।